बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गाजर और मेथी की सब्ज़ी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। उसके बाद हमने एक मीडियम प्याज लिया था, उसको स्लाइस की फॉर्म में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया। इसके बाद हमने, जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ टमाटर लेके मैंने उन्हें कट कर लिया था स्लाइस की फॉर्म में, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो टमाटर हमारे भुन जाएंगे तो हम स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। टमाटर हमारे जो है वो भुन गए हैं, तो 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली ऐड कर दिया, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर ऐड कर दिया। इन सब स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इनको इतना पकाने कि इनका फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए बीच में। पोटैटो हमने ऐड कर दिए, 4 पोटैटो लिए थे मीडियम मैंने। इसके बाद 1 कप मैंने गाजर ली थी और 1 कप मटर लिए थे, वो ऐड कर दिए थे, दोनों इकट्ठे ऐड किए थे। इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है और गलाने के लिए 1 कप पानी लिया था मैंने, वो ऐड कर दिया था ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। जब सब्जियां हमारी गल गई थी तो इस स्टेज पे हमने 1/2 कप दही ऐड कर दी थी। दही हमने पहले ऐड नहीं करनी, इससे सब्ज़ियाँ जो हैं वो गलने में टाइम लेती हैं, तो दही हमने बाद में ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने मेथी और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी, 3 से 4 सब मिर्च मैंने ली थी, वो ऐड कर दी थी, और मेथी ली थी थोड़ी सी, वो ऐड कर दी थी। इसके बाद हमने सब धनिया ऐड कर दिया। तो अब हमने अपनी वेजेस को मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हमने ढक के ठहरा देना है। तो हमारी सब्ज़ी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।